वेलकम टू म्यूजिक पाठशाला। मैं सुनील कुमार यादव आज इसी गाने का ट्यूटोरियल पार्ट आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ट्रेंडिंग सॉन्ग है, हरियाणवी सॉन्ग है। न कसर ढालूंगी मैं असर डालूंगी, ऐसे है। ठक टोकनी में मटक मटक चालूंगी। तो देखिए इसकी जो मेन लाइन है उसमें जो स्वर लगेंगे, ज़्यादा स्वर इसमें अपर ऑक्टेव के लगे हुए हैं। अपर ऑक्टेव जो है हमारा राइट साइड में होता है, अगर ये हमारा चेंजर राइट साइड है तो ये मिडल है, ये लोअर है और ये अपर है, इस तरह से होते हैं। अगर आपने मेरी बेसिक वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं बहुत सारे, उनको आप देख सकते हैं। कहाँ पर सा ग या जो मैं नोट्स बोलने वाला हूँ वो कहाँ पर बजेंगे, पट्टी पर भी आप देख सकते हैं नीचे चल रहे हैं। चाहे 10 होल का हारमोनिका आपके पास, 12 का है या 24 होल का, सभी में ये गाना बजेगा। और इसमें एक स्वर जो है कोमल स्वर लगा है, थोड़ा सा कोमल धा, तो वो उसके लिए आपको चेंजर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इसकी लाइन शुरू करता हूँ। न कसर ढालूंगी न असर डालूंगी, ऐसे करके है। ध ध धग ऐसे ध ध धग ध ध धग, तीन बार धा बजाना और फिर गा बजाना, गा पर रुकते होगा। ध ध धग ग ग ग म ग, ये ग और मा जो मैं बोल रहा हूँ ये सब अपर ऑक्टेव के हैं। यहाँ पे सारे ग मा जितने भी लगे सब अपर ऑक्टेव के हैं। ध ध धग ग ग ग ग म ग, देखिए स्लो देखिए। नक सर ढालूंगी मैं, यहां तक आ गया। असर डालूंगी रे रे सा, रे रे सा मागा रे, अपर ऑक्टेव में है। देखिए लोअर ऑक्टेव में भी सेम गाने को हम बजा सकते हैं, तो वहां पे जो धा है वो हमारा लोअर ऑक्टेव का हो जाएगा और बाकी जो नोट्स हैं वो हमारे मिडिल ऑक्टेव के हो जाएंगे। तो देखिए जितनी देर मैंने नोट्स को बताया है बोल के या बजा के, बिल्कुल ऐसे ही बजाना। आप स्लो फिर से देख लीजिए। ध ध ध ध ग ग ग म ग, रे रे सा मा ग रे, ठक टोकनी में मटक मटक चालूंगी। ध ध ध नि ध ध, ठक टोकनी में ध ध शुद्ध धा है और नि भी शुद्ध है यहाँ पे, और जो लास्ट का धा मैं बोलूंगा वो जो है कोमल था है। ध ध ध नि ध ध, ये जो मैंने प्रेस करके बजाया, यानी कि मैंने पास स्वर बजाया और चेंजर प्रेस कर लिया तो कोमल था। किसी भी हारमोनिका में अगर आप पा बजाएंगे और चेंजर को प्रेस करेंगे तो कोमल धा बजेगा। आप देखिए चार्ट पे भी देख सकते हैं कि कौन से कोमल स्वर कहाँ पे बजते हैं। इसके लिए मैंने दो वीडियो बनाए, तीन वीडियो बनाए, कोमल स्वर कैसे बजाएं या हाफ नोट्स कैसे बजाएं या तीव्र स्वर कैसे बजाएं या स्लाइडर का यूज कैसे करें, ऐसे करके आपको टॉपिक्स में मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। ठक टोकनी में मटक मटक चालूंगी, धनी निन ध ध ध नि ध ध ध नि नि, जो मैंने बोला ध ध ध नि ध ध, ये जो एंड का था मैंने बोला ये केवल कोमल धा है, बाकी ध नि नि। तो ये पहला मटक तक पूरा हो गया। मटक चालूंगी नि रे सा ध ध ध, नि रे सा रे और सा पर ऑक्टेव के, ध ध ध यहाँ पे जो बीच का धा है वो कोमल धा है, यानी कि पा बजाना है प्रेस करके। ढालूंगी या मटक मटक चालूंगी, और इसी की जो सेकंड लाइन है वो बिल्कुल सेम इसी ट्यून पे। नक सर घालिए तू असर डालिए, नक सर घालिए तू असर डालिए, ठक टोकनी तू मटक मटक चालिए। तो बिल्कुल सेम ही लाइन है जो हमने अभी नोट्स बजाए, सेम आप बजा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप मधुरगन सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखें कौन से गाने के आपको नोट चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।